नमस्कार प्रणाम। हम खिसारी ललियादुर हो, सबके बेटा रो, सबके भाई पैरछू के प्रणाम करत हैं। बस बड़ा दुख के बाद बाकी लॉकडाउन के मतलब के समझ नहीं के पावत। रुआ लोग आज अपना घर के आर्मी बन के अपना जीवन के रक्षा कर सकते नहीं, अपना परिवार के रक्षा कर सकते नहीं। और ये पूरा देश के मामला नहीं के पूरे वर्ल्ड के मामला बा, तो इसमें हम सबके साथ देवे के जरूरत बा। हम समझ सकते नहीं जे रोज के रोजी करे वाला बा ओकरा खातिर प्रॉब्लम बा ये, लेकिन ओमे ना हम कुछ कर सकते नहीं ना रुआ सब कुछ कर सकते नहीं। हमने के बस यही कर सकते नहीं जाकि एक दूसरे के अच्छा लगे, एक दूसरे के सपोर्ट करे के बा। ओमे सिर्फ अपन जान के बात नहीं खे, अपना साथे साथे पूरा परिवार के जान के बात बा। एमे केहू लड़े के नहीं के कहत, कितना लोग करे के मजाक के टिकटॉक बना लेता, ये मजाक के समय नहीं खे। और रुआ केहू लड़े के नहीं के कहत कि जाके लड़ी। रुआ लागत है जी नहीं हमारा गांव में नहीं खे, हम जवान बने। रुआ जवान बनी हम मानते नहीं कि आप सब जवान हैं, आपको नहीं होगा ये। बट आपके घर में बच्चे तो है ना, आपके घर में बुजुर्ग तो है ना, हमारे माँ बाप तो है ना, उनकी स्टेमिना तो उस टाइप की नहीं है कि उस ऐसे रोग की वो सामना कर सके। तो बस हाथ जुड़ के प्रार्थना करते नहीं कि वो लोग अपन जिंदगी बचाई, जिंदगी रही तो फिर काम तो होते रही। और हमनियों के कई सारा शूटिंग छोड़ के, कई सारा एल्बम छोड़ के आदमी एक दूसरे के सपोर्ट करता है हिंदुस्तान के आज रक्षा करे के बा। अगर और आज हिंदुस्तान के बात बवे, और हिंदुस्तान नहीं पूरे देश की बात बा, और यहाँ अपनी जान के रक्षा के बात। और हम समझ सकते नहीं कि प्रॉब्लम तो बा सबके भी कि जे रोज के रोजी करत तो ओकरा खाती कितना कष्टदायक ही चीज़ बा। तो जे रोज के रोजी करत तो भाई अगर वह बगल में के बा, अगर वह सक्षम बनी तो जरूर ओकर हेल्प करे। हमने के तो चाह के भी हेल्प नहीं कर पावत कि कैसे आदमी हेल्प करी, कहाँ करी, भीड़ भाड़ कहीं इकट्ठा करे के नहीं खे। और हमने के जाए भी जाते भीड़ होकबे करी, कुछ सामान भी कहीं आदमी भेज सके तो ओकरा खातिर भी भीड़ होकबे करी। इससे ये अब यहाँ हर आदमी अपना घर में रह के अपन दायित्व पूरा कर सकता, अपन रक्षा कर सकता, अपना परिवार के रक्षा कर सकता, हिंदुस्तान के रक्षा कर सकता। लॉकडाउन के मतलब ये होला भैया। और ऐसा नहीं कि हम लोगों की का समझ जाएंगे, हम तो खुदे पढ़ा लिखल ना है, बस सबके बात इस समझ में आवे के चाहिए कि लॉकडाउन का मतलब जो घर से नीचे निकले के एकदम लॉक हो जाए रुआ सब, हमनियों के लॉक हो गई बनी जा। और सोची कि जरा रुआ तो आज घर बात रुआ लॉक हो जाए, जरा लगे घर नहीं खेल का करी, वो समझ सकता नहीं हम। बट आज देश के प्रधानमंत्री आई में सरकार भी क्या कर सके रुआ लगे बताई। सरकार तो रुआ के बोलत ही बाकी हाँ, और सरकार के भूमिका जितना हो सके। और सबसे ज़्यादा हम बिहार के लोगों के बताए कि रुआ लोग प्लीज़ ऐसे जे बाहर गांव में बा ओकरा खातिर तो कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसे जो वो जी व्यवस्था बा टेक्नोलॉजी बताई, इटली में इतना ज़्यादा बा, अमेरिका में इतना ज़्यादा बा, तब वहाँ के लोग इतना सतर्क हो गए बबे। आउट ऑफ इंडिया के हर जगह हॉस्पिटल बड़ा बड़ा बा, डॉक्टर बड़ा बड़ा बड़े, लेकिन अपना बिहार में कहाँ भर वो बताई ना। अपना बिहार में अगर छपरा में केहू के तबीयत खराब हो जाओ तो छपरा में उतना बड़ा ना अस्पताल नहीं है कि केहू के भर्ती करा दिया जाओ। और बिहार के इतना बड़ा आबादी बा तो हमने के खुद के रक्षा ना कर जाता, हॉस्पिटल में रक्षा ना हो पाई। बिहार में उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि रुआ के रख सके हॉस्पिटल में, ऐसे जो हॉस्पिटल उतना बड़ा नहीं है भैया। रो लोग इसे एगो बेटा होके के नाते, एगो भाई होके के नाते हम रिक्वेस्ट कर रहा बन कि ज़्यादा करके बिहार के लोग के एक हिस्से जे लॉकडाउन के दिन भी देख लीजिए, आप लोग हर आदमी समर्थन कर ले, लेकिन लॉकडाउन एक दिन के ना 15 तारीख तक ले बा, 21 दिन के लॉकडाउन भाई। और लॉकडाउन समझ सकते नहीं रुआ जे कौना स्थिति में देश बा, एक के चलते इतना दिन तो देश के रुआ का लगता है जे नुकसान नहीं है, देश के भी नुकसान वैसे हर तरफ से रोजगार बंद बबे, देश अपन कितना पीछे जाता। लेकिन वह जान अरबों लगे जान रहो जान रही तो हमने के आज ना तो कल कमा के फिर रिकवर कर ले जा, लेकिन जिंदगी रही तबे ना भैया। हम रिक्वेस्ट करते नहीं रुआ सबके बेटा, अगर वो लोग हमारा कि जितना भी हमके मानी ले, जे हमारा के ना माने ला ओकरों से रिक्वेस्ट करते नहीं कि प्लीज़ रुआ लोग अपन जान के ख्याल रखें। रुआ लोग ईश्वर हैं, रुआ लोग की जान की बहुत बड़ा कीमत बा, और वह साथे साथ रुआ परिवार की जान की कीमत बा, क्योंकि जान रही तो बहुत काम हो हमने से।
आ करब जा, ऐसा थोड़ी बा हमनी के ना करी ले जाए। तो रो लोगिन अपना साथ साथ अपना घर परिवार के भी रक्षा के लिए जरूरी बा, वो सबके अपना परिवार के रक्षा के लिए जरूरी बा। आज रुआ आर्मी बन के रुआ घर के रक्षा कर सकता नहीं, अगर वो अपना परिवार के रक्षा कर लेनी तो वो देश के बचा लेनी। बेटा गलत बात है। कृति दरवाजा खोल दो बेटा। तो ये बात बाबा से यही रिक्वेस्ट करे खाते नहीं कि कितना लोग लॉग मैंने कोरोना पर कितना लोग ऐसा बाबे से बताई टिकटॉक बना रहा बा, ओकरा के मजाक में ले रहा बा, केहू सीरियस नहीं खेल लेते करे के प्लीज रो लोग सीरियस ले भैया। रो लोग के जान के बहुत बड़ा कीमत बा और परिवार के योगदान बरुआ सबके पीछे। और वह लोग इन बाहर जाए रुआ जवान बनी रुआ ना हुई रुआ होती रुआ अपना परिवार के केहू सदस्य के छू दे ओकर कैपेबिलिटी उतना नहीं खे, उतना ओकर शक्ति इतना नहीं खे जो बर्दाश्त कर पाई और रोग से उमारल जाए। तेवर रुआ अपना परिवार के रक्षा करे के बाद प्लीज़ हम हाथ जोड़ के प्रार्थना ही और बेटा के सारी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा बनी कि रुआ लोग इन संभल जाए थोड़ा सा ओकरा के हम समझ सका था नहीं राजकुमार कि जे दिहाड़ी करके गरीब रोज के खाना जुटावे ला वो का करी। लेकिन दिहाड़ी कहाँ करी वो दिहाड़ी करे के जगह भी तो होके कि चाहिए काम भी तो होके कि चाहिए। जब हर आदमी आज घर में बंद हो गई बा तो दिहाड़ी कहाँ मिली तू बताओ। अच्छा केहू बताओ हमके दिहाड़ी कैसे करी वो कहाँ करी। हम समझ सका था नहीं वो किसान के बेटा ही तो हमने के माल गुरु रखे वाला भी आदमी है जा वो जीव के हत्या कैसे हुई। आज ना हमनी के अति तो बनावे खाते हमनी के घर में परिवार और औरत लोग बाचा है हमनी के बना के खा ले जा लेकिन गाय भैंस माल गुरु एक नहीं खाती तो जुटावे जाए के पर हाँ समझ सकता नहीं। लेकिन उकरा के जुटा के कोशिश करी जे जितना से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा घर में रह सके रहू माल गुरु के खाना पीना दे के और कोशिश ये करे के बाद जो हमनी के ओकरो जीव हत्या ना होखो और ओकरो के खाना। एक मिनट बेटा कृति खोलो दरवाजा पीट रहा है वो बाबू दरवाजा पीट रहा है बेटा देखो बस ये रिक्वेस्ट हम समझ सकते नहीं। हम एगो गांव देहात से बिलोंग करी ले हमरो घर ऐसा थोड़ी बाजा अमेरिका में बा हमरो घर बिहार के ही ढानाडी गांव से हैं हम रसूलपुर से। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते नहीं कि जे रोज के रोजी करे वाला बा जे रिक्शा चालक बा लेकिन रिक्शा चालक लोग भाई से भी हम रिक्वेस्ट करते नहीं कि बताई जब रोड पर सवारी ही ना रही है तो वह किकरा के ढोआ किकरा से 2 रुपया कमाए। ऐसे अभी देश के साथ देवे की जरूरत बा और देश के और खुद के रक्षा करे के जरूरत बा। रुआ आज जियब तो कल आज ना तो कल कमा ले रुआ सब है। रुआ लोग अपना जीवन के बचाई जीवन में बहुत सारा चीज होला कई सारा हम आज चैत के स्थिति में हम समझ सकते नहीं गेहूं के कटनी लगी लोग कैसे का करी बट का करब आज न तो कल वो चीज़ तो करही के बा बट जीवन रही तबे न हुई ना रही तो के न हुई रहा लोग बताएं। बस हम रिक्वेस्ट करब कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे के जरूरत बा और एक एक दूसरे के सपोर्ट और एक दूसरे के रक्षा करे के जरूरत बा। और वो लोग एक मजाक में मत ली हम ये कहब और डॉक्टर के सेवा हर जगह बढ़ले बा इसे लोग ठीक भी भाई ऐसा बात नहीं खे कि ठीक नहीं खे भाई बट कोशिश करे के बा रौरा नहीं खे रौरा के दोसर के छू दी ओकरा हो जाए और रौरा फिर हो रौरा अपना परिवार के छुअब ओकरा हो जाए। ये छुआछूत के बीमारी बवे तो कहीं ना कहीं लोग के बस हम कहाँ योगदान करी भाई बताई कैसे योगदान करी समझ नहीं खी पावत। भीड़ भाड़ कहीं जुटावल जरूरत नहीं खे हम तड़पत नहीं ऐसा नहीं खे जे नहीं खी तड़पत हम आज मुझे हमरा लगा था जो 10 दिन से हम कोनो काम नहीं की कैले 10 दिन से ना स्टूडियो गई बनी ना कोनो काम कैले बनी बस घर में बने ताकि हमरा होते बाकी केहू के ना हो के हम बाहर जाए काम करब लेकिन कहाँ काम करब स्टूडियो बंद बा। हर आदमी अपना दायित्व निभावत अपना देश के प्रति। बस हम ये कहत कि रउआ लोग खुद के बचाई अपने परिवार के रक्षा करी देश के आर्मी बन के अपना घर के आर्मी बन के फौजी बन के अपना घर के रक्षा करे के जरूरत पड़े। बस ये हम परेशान हम समझ रहे हैं कुमार बबलू जी कि सब लोग परेशान हैं परेशान हम भी बहुत हैं लेकिन हम इस
दुख में क्या कर सकते हैं, हम किसके पास जा सकते हैं बताइए, हम कहीं जा भी नहीं सकते और ना ही कहाँ जाएं। आज बैंक से हर जगह बैंक भी अब रोड पे जाने पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, सब्जी की लाइनें लग रही है कम से कम 3 किलोमीटर तक, सुबह सुबह सब्जी की लाइन लगाकर आदमी सब्जी ले रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ इस परिस्थिति में सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी देश है, पूरा आज वर्ल्ड है, पूरी स्थितियाँ बड़ी दयनीय है। और मैं जिन टिकटॉक वाले भाई आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मनोरंजन का बहुत साधन है यार, मनोरंजन करने का बहुत साधन है, इसको मजाक में आप लोग मत लीजिए, ये हंसी की चीज़ नहीं है। आप लोग आर्टिस्ट हैं, आप लोग कलाकार हैं, अच्छी चीज़ों पे चर्चा करिए, अच्छी चीज़ों पे टिकटॉक बनाइए। ये सब चीज़ों पे टिकटॉक बनाकर आप दुनिया को मजाक के पात्र बना रहे हैं, ये मजाक की पात्र नहीं है, ये बहुत सीरियस मामला है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, मैं कोई ईगो की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा रिक्वेस्ट ही किया है, कोई भी आपदा आती है तो मैं बस एक भाई होने के, आप लोग बड़े प्यारे हैं, आप लोग कोशिश करेंगे तो हर वो चीज़ मुश्किल नहीं है, बस कुछ दिन हमें घर में रहना है, बस आज हमें अपने परिवार का रक्षा करने का हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। हम बाहर जाएंगे उस बीमारी को लाएंगे और पूरे घर में फैला देंगे, तो आप घर में रह के अपने जीवन और अपने अस्तित्व को बचाइए। आप बचे रहेंगे तो आज नहीं तो कल हम उतना कमा लेंगे, बस कोशिश करिए, बस लव यू ऑल। और आज माता रानी का दिन है, मैं सबसे माता रानी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हे माता रानी से बस यही प्रार्थना करूँगा कि हे माँ इस आपदा से जल्दी छुटकारा दे दे पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड को, ताकि हम लोग एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से गले लग सकें, एक दूसरे के दुख में खड़े हो सकें, एक दूसरे के दुख के लिए हम आगे आ सकें। प्लीज़ माँ, बस आपसे प्रार्थना करता हूँ माँ कि हमारे अपनों को कुशल रख, अपने अपनों को इतनी शक्ति दीजिए वो कम से कम आज इस दुख की आपदा में खुद को संभाल सके। बस यही प्रार्थना करने के लिए मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि कितने लोग इस पे टिकटॉक बना के इसको मजाक के पात्र बना रहे थे, तो थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं बोला कि मैं अपने लोगों से, मैं बिहार के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आपके पास उतनी बड़ी अस्पताल नहीं है भाई जी, हमारे राजनेताओं ने उतना बड़ा अस्पताल और उतनी व्यवस्थाएँ नहीं दे रखी है बिहार में, हम तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर हम लोग ऐसे लापरवाही करेंगे तो। प्लीज़ आज हम बॉम्बे में हैं तो बॉम्बे में बताइए, इटली में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, वहाँ इतने अस्पताल हैं, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तब वहाँ के लोग लॉकडाउन घर से नहीं निकल रहे हैं, उनके पास व्यवस्था है तब वो नहीं निकल रहे हैं, हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है, हमारे पास वैसे अस्पताल नहीं है, वैसे डॉक्टर नहीं है, हमारा क्या होगा बताइए। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग कुछ दिन की बातें हैं, इस समय को बस झेलना है, इस समय को काटना है, अपने परिवार के साथ बिताना है, प्लीज़ आप लोग संभल के और अपने परिवार में अपने साथ अपने घर पे अपने घर के अंदर रहिए और एक दूसरे का हेल्प करिए और देश बचाइए। लव यू ऑल, थैंक यू।